हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का। यूनिट नंबर 4 चल रहा है और ये डी फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हैं सेकंड ईयर में। तो आज के चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि फार्माकोलॉजी में बताते हैं कि यूनिट 4 में कुल 6 चैप्टर है और हम लोग आज चैप्टर नया स्टार्ट करने जा रहे हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक्स। इसके पहले की लास्ट में हम लोगों ने जनरल एनेस्थेटिक्स, उसके ड्रग्स, उसके क्लासिफिकेशन को सबको पढ़ लिया है। अगर वीडियो जो आपको नहीं मिल रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप जाइए प्लेलिस्ट में फार्माकोलॉजी बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर और आप सर्च करिए, आपको सीक्वेंस सारी वीडियो मिल जाएगी। तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स की बात करते हैं। तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स में क्या पढ़ा होता है ना, कि आपने ये चीज मैं ऑलरेडी मेडिसिन में पढ़ा चुका हूँ कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या होता है, जो हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन को डिप्रेस करके हमारी बॉडी में स्लीप को इंड्यूस करते हैं, यानी हमारी बॉडी में स्लीप लाते हैं। तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, इसका डिफरेंस क्या होता है बताया। तो सेडेटिव है जो केवल डिजीनेस लाते हैं, जिसको कहते हैं अंगहाई आना या थोड़ा ब्रेन को शांत करना, और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं जो नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें हम लोगों को पहले टॉपिक पढ़ना है इंट्रोडक्शन। तो इसका इंट्रोडक्शन फ्रेंड, ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसका सेडेटिव हिप्नोटिक्स में क्या डिफरेंस होता है, ये ऑलरेडी अगर आपने मेरे साथ पढ़ाई सर्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में मैं इसको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। तो इस टॉपिक को यहाँ पे फिर से मैं एक्सप्लेन करूँ, इट इज नॉट नेसेसरी। तो इसका मैं आपको लिंक दूंगा, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार वहां पे जाके क्लिक करिए इसको वीडियो से स्टार्ट करने से पहले, और वो वहां से पूरा का पूरा पढ़ के आइए। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा, इसका क्लासिफिकेशन। तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स का क्लासिफिकेशन का मैंने ट्रिक बनाया था, आपको याद होगा वो बहुत ही फनी ट्रिक था। वो ट्रिक भी आपको क्लासिफिकेशन वैसे ही याद करना है, ट्रिक के साथ याद करना है। सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्लासिफिकेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इस पर आता है इसका मोड ऑफ एक्शन कि कैसे ये काम करता है, ये भी आपके इसी वाले पार्ट में है जहां पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो दिया है, उसी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपका क्या है मोड ऑफ एक्शन। आपको याद होगा मैंने बताया था कि उस पर रिसेप्टर होते हैं गाबा ए, बेंजोडाइजेपिन, बारबिट्यूरेट, और जब ये रिसेप्टर से बाइंड करता है तो चैनलोपेन होते हैं और क्लोराइड आयन अंदर जाता है, सेल हाइपरपोलराइज होता है, जिससे ब्रेन में डिप्रेशन आता है, और जब डिप्रेशन आता है तो वहां से स्लीप इंड्यूस होता है, ठीक है फ्रेंड। क्या इंड्यूस होता है, स्लीप। तो ये चीजें आपने ऑलरेडी देखा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ चीजों की बात करेंगे, यहाँ पर आपने पढ़ लिया तो इसके क्लासिफिकेशन की। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ये तीन चीज तो मैं ऑलरेडी मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, वहां से आपने देख लिया। अब इसके क्लासिफिकेशन में दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी बेसिकली है। एक आपका है बारबिट्यूरेट कैटेगरी, या पहले बेंजोडाइजेपिन की बात करेंगे, बारबिट्यूरेट कैटेगरी की बात करेंगे, यानी जो ड्रग है बारबिट्यूरेट्स कैटेगरी के हैं। दूसरे बेंजोडाइजेपिन की है, बेंजोडाइजेपिन, और तीसरा है निवर ड्रग। निवर ड्रग का मतलब है कि नॉन बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी का, तीन कैटेगरी के ड्रग है। तो हमको एग्जाम में क्या पूछेगा, देखो या तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्या आएगा, क्लासिफिकेशन आता है ऑलरेडी यहाँ पे, सेडेटिव हिप्नोटिक्स के मोड ऑफ एक्शन और इसका डिफरेंस आता है, यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब क्या पूछेगा कि बारबिट्यूरेट ड्रग का पूछेगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स रिएक्शन, साइड इफेक्ट और फार्माकोकाइनेटिक्स, या फिर बेंजोडाइजेपिन का पूछेगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, या पूछेगा निवर ड्रग्स का। तो हम अभी सबको पढ़ना क्या है, हमको बारबिट्यूरेट्स का पढ़ना है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, बेंजोडाइजेपिन का पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ये दोनों है, निवर ड्रग होता है इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दो ड्रग्स का हमको पढ़ना है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या क्या बॉडी में इसका एक्शन वो पढ़ेंगे, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद इसका साइड इफेक्ट पढ़ेंगे और इसका यूज पढ़ेंगे। ये हमको इसका पढ़ना और इसका पढ़ना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में। हमारा जो आज का टॉपिक है, बेसिकली देखा जाए तो टॉपिक क्या है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स में हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजी ऑफ बारबिट्यूरेट्स। आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फार्माकोलॉजी ऑफ बारबिट्यूरेट्स, ठीक है। तो इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे, बाकी के लेक्चर्स में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो अपनी कॉपी जब कोलोजी का नोट्स बनाइएगा तो पहले मेडिसिनल से जाके वो तीन लेक्चर को लिख लीजिएगा और फिर उसके आगे यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। तो आपको पता है कि बारबिट्यूरेट का फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो सबसे पहले इसका बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की। तो मोड ऑफ एक्शन का फिगर आपको मैंने वहां पर बताया था, क्या करेगा बारबिट्यूरेट, ये गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करेगा, गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करेगा, इसके साथ साथ ये बारबिट्यूरेट रिसेप्टर से बाइंड करेगा, गाबा ए और बारबिट्यूरेट। जब गाबा ए और बारबिट्यूरेट रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, क्लोराइड आयन के ट्रांसमिशन को बढ़ा देगा। जब क्लोराइड आयन का ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा, और हाइपरपोलराइजेशन होने से हमारा जो डीसीएनएस है वो डिप्रेस हो जाएगा। ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, ये ऑलरेडी मैं वहां बता चुका हूं, मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बाद इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की।
फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो आपको पता है कि फ्रेंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब होता है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट पे इस दवा को खाने के बाद क्या असर होगा, यानी हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम पे अगर इस मेडिसिन को हम खाते हैं, यानी बारबिट्यूरेट ड्रग अगर हम खाते हैं, तो इसका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो एक्चुअल एक्शन है वो क्या है? सीडेशन, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। आपको ऐसे ही हेडिंग डाल के लिखना है बारी बारी से। मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसका ट्रिक ये है कि आप इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सभी ऑर्गन पे जब भी आपको लिखना हो, किडनी में, लीवर में, ब्रेन में, हार्ट में, तो एक चीज सोचिएगा कि जब हम सो जाते हैं, जब हम सो जाते हैं तो हमारे शरीर के किस अंग में क्या असर पड़ता है, ये चीज आप सोचिएगा। अगर आप ये चीज सोचेंगे तो आपको सारे एक्शन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि हम सो जाते हैं तो हमारा हार्ट बीट थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो इसका असर हार्ट पे क्या होगा? हार्ट डाउन हो जाएगा। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा घट जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। जब हम सो जाते हैं तो हमारा ब्रेन शांत हो जाता है, तो क्या असर होगा सीएनएस पे? सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा। जब हम सो जाते हैं तो यूरिनेशन का प्रोसेस थोड़ा सा स्टॉप स्लो हो जाता है, तो किडनी पे क्या होगा? असर कम हो जाएगा। यानी आपको इमेजिन क्या करना है कि सोने के बाद हमारे बॉडी में जो जो असर आते हैं वही वही फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका होगा, किसका? बारबिट्यूरेट, क्योंकि है सेडेटिव और हिप्नोटिक्स। तो पहला असर हम बात करेंगे सेडेटिव हिप्नोटिक्स की। तो जो बारबिट्यूरेट के साथ है इसमें क्या लिखना है कि पहला हेडिंग है आप डालेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ बारबिट्यूरेट, इसमें पहली हेडिंग है एक्शन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। तो देखिए, अगर हम बारबिट्यूरेट को स्मॉल डोज में देते हैं, इस बात को समझिए फ्रेंड, अगर हम बारबिट्यूरेट ड्रग को स्मॉल डोज में देंगे तो ये सेडेटिव एक्शन देगा, और अगर इसी को हम लार्ज डोज में लेते हैं तो ये किसका कैसा देगा? ये हिप्नोटिक एक्शन। यानी दोनों ड्रग, ये जो ड्रग है वो सेडेटिव और हिप्नोटिक दोनों का असर देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर स्मॉल डोज में देते हैं तो सेडेटिव एक्शन करेगा, और लार्ज डोज में देंगे तो हिप्नोटिक एक्शन देगा। और इसके साथ एक नुकसान ये है, ये एडिक्शन कॉज करता है। एडिक्शन का मतलब है कि अगर इस ड्रग को लगातार किसी को नींद की गोली रोज देते रहो तो उसको एडिक्शन ये हो जाएगा कि बिना नींद की गोली खाए उसको नींद नहीं आएगी। तो हम ये क्या लिख सकते हैं इसमें? हम इसलिए लिख सकते हैं पहले पॉइंट में कि मतलब कि व्हेन द बारबिट्यूरेट ड्रग्स इज गिवन इन स्मॉल डोज देन इट शोज सेडेटिव एक्शन, एंड व्हेन इट इज गिवन इन लार्ज डोज देन इट शोज हिप्नोटिक एक्शन, ठीक है? एंड व्हेन बारबिट्यूरेट ड्रग्स इज गिवन रेगुलरली फॉर सेडेशन देन इट मे कॉज एडिक्शन इफेक्ट, ठीक है? ये एडिक्शन कॉज कर सकता है, ये पहला इसका असर हो गया। और हम दूसरी बात करेंगे, पहला हो गया हमारा सेडेटिव हिप्नोटिक्स, हम दूसरी बात करेंगे एनेस्थेटिक इफेक्ट। एनेस्थेटिक्स आप जानते क्या होता है फ्रेंड? जनरल लोकल। तो जनरल लोकल क्या होता है कि हमको जब भी ऑपरेशन से पहले हम क्या देते हैं? एनेस्थेसिया देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि क्या ये एनेस्थेटिक है? नहीं, ये एनेस्थेटिक तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ ड्रग बारबिट्यूरेट के जो होते हैं वो हमारे बॉडी में एनेस्थेटिक इफेक्ट, क्योंकि आपने जब पढ़ा था जनरल एनेस्थेटिक तो आपने पढ़ा था कि जब भी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन देते हैं तो उसमें बारबिट्यूरेट ड्रग भी देते हैं। कौन सा ड्रग देते हैं? वो होते हैं थायोपेंटल सोडियम। ध्यान दीजिएगा, इसका जो थायोपेंटल सोडियम ड्रग है वो आईवी के फॉर्म में हम देते हैं फॉर एनेस्थीसिया के लिए, यानी जब भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना होता है तो उसमें आईवी के लिए अगर हम थायोपेंटल सोडियम देते हैं तो ये एनेस्थेटिक इफेक्ट भी कॉज करता है, ठीक है? तो दूसरा हेडिंग है एनेस्थेटिक इफेक्ट, इसमें क्या लिखेंगे कि सम बारबिट्यूरेट ड्रग्स लाइक थायोपेंटल सोडियम व्हेन इट इज गिवन आईवी इंट्रावेनस, ठीक है, देन इट कॉज एनेस्थेटिक इफेक्ट्स, एंड दिस ड्रग इज जनरली गिवन इन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। जब भी हम क्या करते हैं? प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के साथ इसको देते हैं, ये आपको याद रखना है। तीसरी पॉइंट की हम बात करेंगे, तीसरा एक्शन हम क्या ले सकते हैं? तीसरा हम ले सकते हैं इसका और क्या असर हो सकता है, जैसे एंटी कन्वर्जेंट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, भी आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ चुका है मेडिसिनल में, एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक, ये भी असर है। तो बारबिट्यूरेट कैटेगरी की कुछ ड्रग ऐसी हैं जो एंटी कन्वर्जेंट एक्शन भी देती है, यानी कि जब किसी को मिर्गी आ रही हो या एंटी एपिलेप्टिक हो उस केस में भी देते हैं। कौन कौन से ड्रग याद कर लो? एक फिनोबारबिटोन, फिनोबारबिटोन, एक मेथोबारबिटोन, ये दो चीज याद कर लो, फिनोबारबिटोन और मेथोबारबिटोन, ये दो ड्रग फ्रेंड ऐसी है जो कि एंटी कन्वर्जेंट ड्रग की तरह काम करती है। यानी बारबिट्यूरेट कैटेगरी की ड्रग जो है वो इसका भी काम करती है, इसका भी काम करती है, इसका भी कई कैटेगरी काम करती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि व्हेन सम कैटेगरी ऑफ बारबिट्यूरेट ड्रग्स इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी लाइक फेनोबारबिटोन एंड मेथोबारबिटोन, बट इट इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी या इट इज यूज्ड एज एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। इसमें भी हम लिख सकते हैं कि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सिर्फ सेडेशन में नहीं है, एनेस्थीसिया में भी है और एंटी कन्वर्जेंट भी है, ठीक है? अब हम बात करेंगे नंबर फोर इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ रिस्पायरेशन या रिस्पायरेशन, ठीक है? हमारी अगली हेडिंग है इफेक्ट ऑन रिस्पायरेशन।
यानी रिस्पायरेशन सिस्टम में हमारे लिए क्या रिफ्रेशमेंट करेगा। देखिए रिस्पायरेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो बारबिट्यूरेट होता है ये हमारे दो चीज, एक होता है हाइपोटॉक्सिक, देखिए हाइपोक्सिक सॉरी हाइपोटॉक्सिक नहीं हाइपोक्सिक एक सिस्टम होता है, एक होता है कीमोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर रिस्पॉन्स। यानी जब भी हम बारबिट्यूरेट ड्रग देते हैं ये दो एक कीमोरिसेप्टर रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है और हाइपोक्सिक इफेक्ट को रिपोर्ट। हाइपोक्सिक मतलब क्या होता है कि जब हमारे सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती है तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है बेसिकली ये जो हमारा रिस्पायर हमारा जो ड्रग है बारबिट्यूरेट ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर देता है हमारे ब्रेन में। देखो अब आप सोचो मैंने क्या बताया था कि कैसे जानोगे रिस्पायरेशन में, जब सोने पे क्या होता है सोने पे हमारा सांस की दर धीरे से, दिन में हम तेज तेज सांस लेते हैं चलते हैं लेकिन रात को जब सो जाते हैं तो कम मेहनत तो कर नहीं रहे हम, थोड़ा सा धीरे सांस लेते हैं रिलैक्स लेते हैं ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें हमारा जो सांस कम होना हाइपोक्सिक और जो हमारा ट्यूमर रिसेप्टर रिस्पॉन्स वो घट जाता है। यानी इस केस में क्या होता है कि रिस्पायरेशन जब भी हम बारबिट्यूरेट ड्रग देते हैं तो वो क्या करता है रिस्पायरेटरी को डिप्रेस करता है। इसका असर क्या है रिस्पायरेशन पे, रिस्पायरेटरी को डिप्रेस करता है जिससे हाइपोक्सिक और ट्यूमर रिसेप्टर रिस्पॉन्स एक्टिवेट होते हैं और जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि रिस्पायरेटरी होता है डिप्रेशन शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा दवा डोज लेने पर रिस्पायरेटरी पैरालिसिस भी हो सकती है और डेथ भी हो सकता है। इसे बहुत ध्यान देना है कि रिस्पायरेटरी पैरालिसिस एंड डेथ ये भी हो सकती है अगर इस डोज को काफी लंबे समय तक ज्यादा दे दिया जाए। तो इसमें क्या लिखेंगे कि अगला हेडिंग है और एक्शन ऑन रिस्पायरेशन, तो लिखेंगे बारबिट्यूरेट ड्रग्स बेसिकली रिड्यूस द हाइपोक्सिक एंड कीमोरिसेप्टर रिस्पॉन्स ठीक है एंड इट कॉजेज द रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। क्या करता है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन ठीक है एंड द रेट ऑफ रिस्पायरेशन बिकम स्लो ठीक है बट वेन इट इज गिवन लार्ज डोज इट मे कॉज रिस्पायरेटरी पैरालिसिस एंड डेथ। अगर हम बहुत लंबे डोज पे देते हैं ये रिस्पायरेटरी पैरालिसिस और डेथ भी कॉज कर सकता है ठीक है। अब बात करते हैं पांचवा सीवियस, सीवियस मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मैंने आपसे क्या बताया कि इमेजिन कैसे करना है, इमेजिन ये करना है कि सोने पे क्या होता है, सोने पे हमारा हार्ट थोड़ा सा हार्ट रेट घट जाता है, जब हार्ट रेट घटेगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन भी घटेगा, ब्लड प्रेशर जो होगा वो भी घटेगा, तो ये सब चीजें जो होती है ब्लड का फ्लो घटेगा। तो इसके कह सकते हैं कि हम कहेंगे इन जनरल डोज देयर इज नो इफेक्ट ऑन सीवियस, नॉर्मल डोज पे कोई असर नहीं है बट आफ्टर ए लॉन्ग डोज इट मे कॉज द डिक्रीज इन द हार्ट रेट एंड डिक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर मे ऑल्सो बी रिड्यूस। ये एक सिंपल सी बात हो सकती है, इसका सीवियस पे असर ये हो सकता है ठीक है अगर ये नेचुरल स्लीप कंडीशन में है तो ठीक है। पांचवी असर की हम बात करें सॉरी छठवा हमने सीवियस देख लिया, छठा असर है हम बात कर सकते हैं पीएनएस एक्शन। पीएनएस एक्शन जानते हैं ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, पीएनएस मतलब आप समझ रहे हैं कि पीएनएस एक्शन क्या है कि जो हमारा ट्रांसमिशन होता है ना जो न्यूरो ट्रांसमिटर गैंग्लिया होता है तो आपको पता है कि क्या है ये गैंग्लिया है प्रीसाइनेप्टिक यहाँ पे क्या होता है ट्रांसमिशन होता है न्यूरॉन्स का। तो ये क्या करता है कि ये न्यूरो जो हमारे जितने भी दोनों होते हैं एसिड कोलिनर्जिक और एडिनर्जिक दोनों प्रकार के जो ट्रांसमिशन होते हैं उसको ये रिड्यूस करता है। यानी बारबिट्यूरेट ड्रग अगर हम देखें तो दोनों ही प्रकार के जो हमारे पीएनएस होते हैं ना पेरिफेरल में सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों ही प्रकार के ट्रांसमिशन को रिड्यूस करता है और इसके साथ साथ ये देखा गया तो ये निकोटिनिक जो एक्शन है रिसेप्टर को ज्यादा ब्लॉक करता है। यानी निकोटिनिक एक्शन यानी किसका है कोलिनर्जिक का उसको भी रिड्यूस करता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि व्हेन बारबिट्यूरेट ड्रग इज गिवन देन इट अफेक्ट द न्यूरोहुमोरल ट्रांसमिशन इन द गैंग्लिया ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट रिड्यूस द बोथ एक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बेसिकली इट ब्लॉक्स द निकोटेनिक रिसेप्टर एंड रिड्यूस द कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स। ये क्या करता है इसको ब्लॉक करके कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है ठीक है। अब हम बात करें थोड़ा सा छठवा हमारा ये हो गया, सातवा हम एक बात कर लेते हैं किडनी का, किडनी पे क्या असर होगा। देखिए फ्रेंड किडनी का असर आपको कैसे याद करना है कि किडनी पे क्या होगा आपको देखिए आप दिन भर में जितनी बार पूरे दिन जितनी देर आप जागते रहते हैं जितनी बार आप टॉयलेट जाते हैं क्या उतनी बार रात को भी जाते हैं, बात छह बार नहीं एक बार मैक्सिमम या कभी कभी सुबह डायरेक्ट। तो उस केस में आप क्या कह सकते हैं कि जब हम सो जाते हैं हमारा यूरिन का जो जीएफआर रेट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो घट जाता है। उसी तरह ये ट्रिक्स आपको याद करना है कि जो बारबिट्यूरेट ड्रग हम देते हैं तो हमारे किडनी में जीएफआर को घटा देता है। जीएफआर इसका मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जब हम इसको देते हैं तो व्हेन बारबिट्यूरेट ड्रग इज गिवन इट शोज इफेक्ट ऑन किडनी इट रिड्यूस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट सो द यूरिनेशन आउटपुट या यूरिन आउटपुट इज रिड्यूस, काफी हद तक यूरिन आउटपुट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है ठीक है। इसमें एक असर हम और देख लेते हैं फ्रेंड आठवां स्पाइनल कार्ड पे क्या असर होता है। देखिए स्पाइनल कार्ड का मेन काम क्या होता है आपको पता है, स्पाइनल कार्ड का मेन काम है रिफ्लेक्स।
तो क्या जब तुम सोते हो तो तुम्हारा रिफ्लेक्स उतना ही एक्टिव रहता है? नहीं, कुछ रिफ्लेक्स हमारे डाउन हो जाते हैं। बस यही ट्रिक याद करनी है कि व्हेन बारबिट्यूरेट ड्रग इज गिवन इट रिड्यूसेस द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड। बस एक लाइन लिखना है कि स्पाइनल कार्ड का रिफ्लेक्स एक्शन को घटा सकता है। यानी हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन सारा याद कर लिया, जिसका बारबिट्यूरेट का सेडेटिव हिप्नोटिक्स देख लिया, एनेस्थेटिक इफेक्ट देख लिया, एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट देख लिया, रिस्पायरेशन डिप्रेस कर रहा है, सीवीएस डिप्रेस कर रहा है, पेनस डिप्रेस कर रहा है, हेयरिंग को डिप्रेस कर रहा है और स्पाइनल कार्ड के रिफ्लेक्स एक्शन को भी कम कर रहा है। हमने ये देख लिया सारा का सारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब हम बात करेंगे इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स यानी हमको पता है कि इस पे हम क्या लिखते हैं, हम बेसिकली लिखते हैं ए डी एम ई। और कुछ चीजें कॉमन है, जैसे मेटाबॉलिज्म इन लीवर कॉमन है, एक्सक्रीशन फ्रॉम यूरिन कॉमन है, डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्डिंग कॉमन है। तो इसमें क्या लिखना है, एब्जॉर्प्शन में इट इज वेल एब्जॉर्ब ओरली। हमेशा क्या होता है, टैबलेट के फॉर्म में अगर हम देखें तो ये ओरली एब्जॉर्ब होता है। इसके साथ साथ ये क्विक एक्शन के लिए आईवी और आईएम के फॉर्म में भी आता है, ठीक है। इट इज वेल एब्जॉर्ब ओरली फ्रॉम स्टमक एंड जीआईटी, इट इज अवेलेबल इन टैबलेट फॉर्म एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन आईवी सॉरी इंजेक्शन फॉर्म। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसके दो फॉर्म होते हैं, आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड, ये आपको पता होगा। तो बारबिट्यूरेट्स आर अवेलेबल इन टू फॉर्म, आयनाइक फॉर्म एंड नॉन आयनिक फॉर्म। तो आयनिक फॉर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेस लेट एंड मतलब कि जो आपके आयनिक फॉर्म होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम होता है। तो दे डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट विद हाई रेट एंड अन आयनिक फॉर्म एंड नॉन आयनिक फॉर्म ड्रग कैन ईजिली डिस्ट्रीब्यूट एंड पास इन टू द ब्रेन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इट इज मेटाबोलाइज्ड इनटू द लीवर एंड एक्सक्रीटेड क्या होता है फ्रॉम द यूरिन, ये हो गया। अब कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट की बात कर लेते हैं, एडवर्स इफेक्ट या हम साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस क्या होता है कि किसी किसी व्यक्ति को ये जो बारबिट्यूरेट ड्रग होते हैं, नींद की दवाइयाँ जो होती हैं, वो सूट नहीं करती हैं। कुछ कुछ व्यक्ति को सूट तो करती हैं, जो नशा पत्ती करते हैं, थोड़ा सा सिगरेट अल्कोहल यूज़ करते हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल कुछ नहीं खाते पीते हैं, अगर सडन उनको आप ये दवा दे दोगे तो उनके बॉडी में इंटॉलरेंस होने लगता है। उनके बॉडी से अचानक से वो झटके आने लगेंगे, या हो सकता है मुंह से कुछ झाग निकलने लग जाए, या फिर वो उनको कुछ झट दौरे पड़ने लग जाए, दो तीन दिन तक सोते ही रह जाते, ये इंटॉलरेंस इफेक्ट होता है। इसके साथ साथ एनीमिया, एनीमिया दूसरा इफेक्ट क्या है, पहला है इंटॉलरेंस, अगला है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है कि अगर हम इसको लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं तो ब्लड में हमारे जो होते हैं ब्लड सेल्स रिड्यूस होने लगते हैं और बॉडी में एनीमिया का सिम्टम आने लगते हैं। तीसरा है एलर्जी, कभी कभी किसी पेशेंट में एलर्जी देखा जाता है कि अगर हम बारबिट्यूरेट ड्रग देते हैं, उनके बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, तो उनके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। अगला है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मैंने आपको बताया ना कि इसको ज्यादा यूज करने से रेस्पिरेशन का डिस्प्रेशन होना, मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने शुरू होती है इस ड्रग का ज्यादा यूज करने पर। और एक लास्ट है एडिक्शन, अगर नींद की दवा किसी को बहुत दिन तक दिया जाए तो वो उसके बॉडी का एडिक्शन बन जाता है, टॉलरेंस बन जाता है, और बिना उसको फिर उसको नींद आने वाली नहीं है, तो एक तरह के नशे की तरह वो इसको यूज करने लगता है। ये सब उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट या आप साइड इफेक्ट कह सकते हैं। तो ये था हमारा फार्माकोलॉजी ऑफ बारबिट्यूरेट ड्रग। तो हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, मोड ऑफ एक्शन देख लिया, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लिया, एडवर्स इफेक्ट देख लिया और फार्माकोकाइनेटिक्स देख लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ बेंजोडाइजेपिन ड्रग, इसको देख लेंगे। तो बाकी हमारा फिर ये चैप्टर सेडेटिव हिप्नोटिस खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।